हेलो दीप रमन हेलो अमनदीप तो ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया एक हफ्ते बाद है ना एक हफ्ते बाद हेलो परमिंदर सिंह जी आ रहे होंगे आई गेस काफियों को इतना इंटरेस्ट आता है एमसीक्यूज़ में वो सिर्फ एमसीक्यू की ही क्लास में आते हैं कुछ ऐसे भी हैं हेलो सुखवीर जी रजनी जी वेलकम है आपका आई गेस हेलो अंकुश बहुत दिनों बाद आए आज आप आपकी प्रेजेंस काफ़ी टाइम बाद दिखी मतलब कितने दिनों बाद देखा जॉट हुआ ये कि 14 से मतलब क्लास नहीं हो पाई थी 14 को टी एस एलिएट पे हुई थी उसके बाद नहीं हो पाई थी अब मैं लेट हेलो गुरजीत कौर जी तीन चार मिनट में लेट, लेट इसलिए हो गई क्योंकि मैं चलते चलते भी हालांकि मैंने नोट्स जो हैं एक वीक पहले बना लिए थे जिस दिन टी एस एलियड डिस्कस किया था ना उसी दिन बना लिए थे लेकिन हुआ ये कि फिर भी एक वर्क था वर्जीनिया वुल्फ का जो रह गया था तो मेरी कोशिश यही थी कि ना हो हेलो मीनू जी सभी का वेलकम है तो आज डिस्कस करेंगे एडिलिन एड लाइन वर्जीनिया वुल्फ जो कि इनका पूरा नाम है ठीक है प्रीत गिल जी कह रही हैं फिर से नेटवर्क इशू ठीक है कोई नहीं क्या क्या थी ये ये तो इनका कंप्लीट नेम है पहली चीज़ नोवलिस्ट बायोग्राफर दो लोगों की बायोग्राफी इन्होंने लिखी है ठीक है दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक है फ्लश जो कि एलिजाबेथ बैरट ब्राउनिंग का है हमने पढ़ा है ना ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो फादर थे वो थे रॉबर्ट ब्राउनिंग एलिजाबेथ बैरट ब्राउनिंग उनकी दरअसल वाइफ थी तो एक तो उनके ऊपर लिखा है इन्होंने बायोग्राफी एक लिखा है रोजा फ्राई पर एसे क्रिटिक कुछ रह जाए तो याद दिला देना पब्लिशर क्योंकि इनकी अपने हस्बैंड के साथ एक प्रेस थी हाँ जी जगदीप जी वो वाइफ ऑफ ब्राउनिंग थी और क्या थी ये डायरिस्ट यानी कि डायरी भी लिखा करती थी अब डायरी क्यों हम मेंशन कर रहे हैं क्योंकि इनकी पोस्टू मसली यानी कि 18 मतलब 82 में जब बर्थ हुआ इनका और 1941 में जब ये चली गई तो उसके बाद पोस्टू मसली ना इनका वर्क पब्लिश हुआ था जिसमें कि डायरी के कुछ पेजेस कि कुछ जो पार्ट्स थे उनको इनके हस्बैंड ने पब्लिश कराया था हेलो गुरप्रीत कौर जी हाँ जी अमन जो फ्लैश थी और जो रोजर फ्राई ने मतलब लिखा है ये दोनों ही वर्क और मतलब बायोग्राफीज हैं जगदीप जी क्या बिटवीन द एक्ट्स हाँ जी ये वर्क भी है और आज मैंने देखा किसी ने ग्रुप क्वेश्चन भी किया हुआ था तो फुल नेम मैंने लिख दिया है कि एडेलाइन वर्जीनिया वुल्फ मोस्टली लोग वर्जीनिया वुल्फ के नाम से ही जानते हैं बेहतरीन मॉडर्निस्ट राइटर विमेन राइटर्स पहले भी थे शार्लेट ब्रॉन्टे भी थी ठीक है जेन ऑस्टन भी थे जॉर्ज एलियट भी थी फर्क इतना है सब ने अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा लिखा है लेकिन जो सबसे बेस्ट अगर मॉडर्निस्ट एज में लिखा है तो वो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है क्या लिखा है या जिसे कहते हैं ना पायानीर Pioneer कहते हैं कि जो इन्वेंट करता है जगदीप जी कह रहे हैं पब्लिश हुआ था बिटवीन द एक्ट हां जी अभी देख लेते हैं वर्क को, को भी ना पायनीर इनको कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आई गेस इतना ही दिख रहा होगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ठीक है इन्होंने इस टर्म का बहुत ही बढ़िया तरीके से साइकोलॉजिकल टर्म्स पे काम किया है कि किसी के ब्रेन के अंदर की वो जो एक्टिविटीज़ हैं किस तरीके से वो पर्सन सोच रहा है आज हम देखते हैं ना तो मूवीज़ में या सीरियल में सिनोमैटिक मतलब ग्राफिक कहा जाता है ये सिनोमैटिक टेक्निक होती है ये ठीक है कि किसी कैरेक्टर के थ्रू उसके इमोशंस बताए गए हैं बट जब कोई राइटर अगर इसको लिख रहा है और रीडर उसको पढ़ रहा है तो जब राइटर या ऑथर लिखता है तो उसको कहा जाता था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दो लोगों ने बहुत अच्छा यूज किया है एक है जेम जॉयस एक है हां जी जगदीप जी दोनों ने बहुत ही यूज किया है ठीक है तो अब क्या देख लेते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एज ए नेरेटिव डिवाइस मेन डिवाइस ये कही जाती है ठीक है पाए ये हो गई और दूसरी चीज जो Uh, कहाँ पे इसकी इस चीज की रेफरेंस मिलती है इनका एक ऐसे है मॉडर्न फिक्शन मॉडर्न फिक्शन का मतलब यह है कि जो जो ये सोचती थी ना टर्म्स के बारे में वो सारा इन्होंने इस ऐसे में लिखा है ये दरअसल एक ऐसे है जो कि आया था 1921 में चेक कर लेना एक बार हेलो परवीन कौर जी सेम ऐसे में इन्होंने एक टर्म का भी इन्वेंशन जिसको कहते हैं ना वो किया था एक टर्म भी है इसमें हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस बहुत बार ये पूछ लेता है कि ये टर्म किसने दी है और कहाँ दी है ये भी पूछ लेगा ये कुछ नहीं है जो इंसान की मतलब बाय बर्थ जितनी भी मेमोरीज होती हैं जब से वो होश संभालना स्टार्ट करता है उसे हिस्ट्री के साथ रिलेट कर दिया कि क्या क्या चीज़ है वो देखता है ये और कुछ नहीं है ब्रेन की ही साइकोलॉजी जो चल रही है ना जो मेमोरीज उसकी चल रही हैं उसी का एक तरीके से कलेक्शन है तो इसको कहा जाता है हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस बहुत सारी टर्म्स ऐसी मिलेंगी ठीक है मैंने आज भी ग्रुप पर जो लोग नए हैं वो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आप डिस्कशन का ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो चैनल के अबाउट में मिल जाएगा इस ऐसे की समरी मतलब एक तरीके से जिस्ट है वो सारा तो नहीं लेकिन दस बारह लाइंस है और उसमें ही बता दिया गया है कि कौन कौन सी टर्म यहां से हमें ध्यान रखनी है आनंद इलेवेंथ सी हाँ जी आनंद मुझे एक बात भी शेयर करनी थी कि अभी हाल फिलहाल आरपीवी के साथ क्लास होगी ना प्रतिभा के साथ तो शायद वो चैनल पे ही चलेगी ठीक है तो जितने भी फ्रेंड्स हों मतलब नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली मैं चैनल पे स्टार्ट करूंगी इलेवंथ के लिए क्योंकि डी ने बोला है तो फिर ग्रामर क्लास चलेगी ठीक है सारी चीज़ें फ्लो में चलेंगे क्योंकि अभी तो मैं चार दिन तो स्कूल की वजह से बिजी हूँ लेकिन ये है कि मुझे फिर ना मैसेज करना था ये बट मैं कर नहीं पाई होपफुली आप दिख गए तो मैंने सोचा यही मैसेज कन्वे कर दूँ ठीक है तो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस प्लीज़ ये थोड़ी सी टर्म जो है ये ध्यान रखना एक लाइन कही है इसमें आई गेस आई शुड चेंज द डस्टर हाँ मेरे को आज पता ही इतना अजीब लग रहा है ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद हालांकि हम कल की ही क्लास में मिले थे एमसी डिस्कस कर रहे थे बट एक गैप जो आता है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बोर्ड से मेरे मेरे को होश भी नहीं था कि मेरा डस्टर और मेरा मार्कर कहाँ है हालांकि मैंने कबर्ड में रख दिया था बट हेलो सिद्धि आई होप बच्चे आप ठीक होंगे बिल्कुल An ordinary mind on an ordinary day. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की थोड़ी सी रेफरेंस आपको ये यह मिल यहां पे मिल जाएगी और मिसेस डेलोवे जैसा जो वर्क है ना जिसे हम फीमेल यूलिसिस कहते हैं वो भी मैं डिस्कस कर लूंगी अभी ये जो लाइन है कहीं ना कहीं ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को बता देती है ये लाइन उन्होंने उन्हों यूज की है ये मॉडर्न फिक्शन जो ऐसे था ना 1921 में आया इसमें तो ऑर्डनरी माइंड की बात करते हैं लेकिन जो ऑर्डनरी डे में है तो आपको सेंटेंस से ज़्यादा अलग तो नहीं लगेगा लेकिन जब आप इनके टेक्स्ट की समरी पढ़ेंगे ना तो आपको ये दिखेगा कि बहुत ही नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है लेकिन उस नॉर्मल को बताते वक्त भी इन्होंने क्या किया है इनकी जो फीलिंग्स या इमोशंस हैं उस पर्टिकुलर सीन में वो मेंटली हैं ठीक है क्या वो एज एन आउटसाइडर उस चीज को कैच कर पा रही हैं अमन हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस का मतलब यही था कि एक नॉर्मल पर्सन ठीक है अपने पास्ट की मेमोरीज देखो ऐसा कहते हैं ना जो चला गया वो हिस्ट्री है हिस्टोरिकल क्या है जो पास्ट से रिलेटेड है जो हम प्रिजर्व करके रखते हैं जो हमारा हेरिटेज है अगर आपके लिए मैं बोलूं कि आपके लिए हिस्टोरिकल क्या चीज़ है जब आप स्कूल में थे जब आप कॉलेज में थे जब आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप हुआ करता था या आप कहीं जॉब में हैं ठीक है तो वो क्या है जो कल तक था या जो आज मॉर्निंग तक था पिछले घंटे तक था वो हिस्ट्री है आप उसको दोबारा रिविजिट कैसे कर सकते हो साइकोलॉजिकली वो आपकी कॉन्शियसनेस का पार्ट है ये टर्म हमें ये बताती है कि जो हमारा माइंड है ना वो एसोसिएट है हिस्ट्री के साथ यानी कि मेमोरीज के साथ पास्ट के साथ हेलो अनुभव जी ठीक है यही चीज़ है हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस कि पास्ट इज इक्वल टू मेमोरीज इज इक्वल टू प्रेजेंट बस सारी चीज़ें प्लस प्लस और फिर इज इक्वल टू कर लो और कुछ नहीं है ठीक है अब बात करते हैं क्या रहेगा इनका फादर मदर का कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड थोड़ा सा फादर और मदर का डिस्कस कर लेती हूं, वैसे तो फादर लेज़लेस स्टीफन अब ये क्यों इंपॉर्टेंट दरअसल ये खुद भी ऑथर थे तो होता है ना जैसे हम मैरी शैली की अगर बात करें कि मैरी वुलस्टन क्राफ्ट और विलियम गॉडविन दोनों के ही क्या थे राइटर थे मतलब दोनों पेरेंट्स फादर एंड मदर तो क्या थी वो चीज ऑटोमेटिकली मैरी शैली ने इनहेरिट कर ली अब इनके साथ भी यही है कि इन्होंने भी बहुत सारी चीजें अपने फादर से प्लस मदर से सीखी ठीक है ज्यादा टाइम तो नहीं रह पाई किसी रीजन से ये क्या थे ये एडिटर भी थे और हिस्टोरियन भी थे अब हिस्टोरियन वही पर्सन जरूरी नहीं है जो होता है ना कि स्टडी करता है हिस्ट्री की हिस्टोरियन वो भी होते हैं जो हिस्ट्री को रिवाइज करके मतलब पढ़ते हैं किसी चीज के बारे में और फिर उस पर डीप स्टडी करते हैं तो ये चीज़ें इन्होंने वहाँ से सीखी मदर मदर बहुत ही जिन्हें कहते हैं ना फेमस फैमिली का पार्ट रही जूलिया जैक्सन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम शुरू होती है ना वो यहीं से स्टार्ट होती है जूलिया जैक्सन जो कि मॉडल थी उस टाइम ठीक है जब ये इस टाइम रही होंगी तो मॉडल भी थी और इनके नोन में ठीक है एक बहुत ही फेमस कैमरा मैन हुआ करती थी तो ये रहा इनका कनेक्शन जूलिया स्टीफन मदर हाँ जी स्टीफन तो यहाँ से अडॉप्ट कर लिया ना ठीक है ये दोनों के ही सेकेंड मैरिज थी इनके स्पाउस की डेथ हो गई थी फिर उन्होंने जूलिया से शादी की जूलिया के साथ भी यही था जूलिया का जो फर्स्ट स्पाउस था दैट पर्सन ऑल्सो डाइड तो ये कोइंसिडेंटली हुआ ठीक है काफी लोग ये कहते हैं कि जानते थे एक दूसरे को देन कुछ ऐसा हुआ कि नहीं बन पाई बट ऐसा कुछ नहीं है नेचुरल डेथ थी दोनों केसेस में अमन ने एक बात कही ब्रेक डाउन हाँ ये जो अभी बताया ना जूलिया जैक्सन दरअसल क्या है कि लेजले स्टीफन और जूलिया जैक्सन दोनों की ही मैरिज पहले हो चुकी थी दोनों के ही फर्स्ट फर्स्ट अपनी अपनी मैरिज से मतलब दोनों के साथ में आने से पहले जिसके साथ भी ये रहे होंगे बच्चे थे तो हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर जिसे हम आज स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर कहते हैं ना तो वो वाली चीज भी इनके साथ थी बहुत हद तक ये रीजन रहा इनके ब्रेकडाउन का तो बायपोलर डिसऑर्डर से ये सफ़र कर रही थी ठीक है आज तो इसका कुछ हद तक ट्रीटमेंट पॉसिबल है लेकिन कुछ टाइम पहले तक ऑलमोस्ट हंड्रेड ईयर्स पहले तक ये पॉसिबल नहीं था ठीक है अभी हंड्रेड ईयर्स आई गेस हुए भी नहीं हो गए पूरे अगर 1941 से बात करें तो ठीक है तो कुछ टाइम पहले तक ये चीजें पॉसिबल नहीं थी ब्रेकडाउन फर्स्ट ब्रेकडाउन की बात करते हैं एट द एज ऑफ फिफ्टीन ठीक है 15, इन्होंने अपनी हाफ सिस्टर को जिसके साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी समहाउ दैट सिस्टर डाइड तो यहां पर फर्स्ट ब्रेकडाउन था यह मैं इसलिए मैंशन कर रही हूं बिकॉज आप यहां से साइकोलॉजी जो है वो समझ सकते हैं किसने बोला था ये ब्रेकडाउन का दीप रमन ने ही बोला था बहुत सारी लैंग्वेजेज ये जानती थी लेटिन ग्रीक जर्मन इंटरेस्ट हिस्ट्री में भी था हिस्ट्री हालांकि लैंग्वेज नहीं है बट सब्जेक्ट है क्योंकि फादर हिस्टोरियन थे थोड़ा सा चेक करते रहना ठीक है अब एक चीज इंपॉर्टेंट है वो है इनका निक नेम निक नेम मैंने पहले डिस्कस किया है ठीक है किसी एनिमल के नेम पर इनका निक नेम रखा गया है वो आप मुझे बता दो अब इसमें फिल करो क्या फिल होगा ठीक है ये मैंने डिस्कस किया है पहले आ गया आंसर गोट हाँ जी ये थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखना गोट जो है ये निकनेम है बहुत बार पूछ लेता है क्योंकि ऐसे वियर्ड निकनेम ना किसी किसी के ही होते थे इनको जो ये निकनेम दिया था ना इनके जो हाफ ब्रदर और हाफ सिस्टर थे उनकी वजह से मिला था ऐसा कहा जाता है कि शी बिकेम अ विक्टिम ऑफ सेक्शुअल अब्यूज अब कहानी स्टार्ट होती है यहां से ठीक है हाफ ब्रदर तो अब्यूज किया गया था हाफ ब्रदर ने टारगेट किया था उसके बाद से जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है ठीक है तो ये चीज फिर मुझे लगा कि बता देनी चाहिए और क्या रह गया ब्लूम्सबेरी ग्रुप कभी कभार पूछ लेता है कि ब्लूम्सबेरी ग्रुप में कौन एसोसिएटेड था ठीक है ब्लूम्सबेरी ग्रुप दरअसल जी हाँ ये रहा करती थी ना इनके घर का एड्रेस भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा गॉर्डन स्क्वायर करके एक जगह थी कहा जाता है कि इसकी रेफरेंस ये अपनी नॉवेल्स में देती हैं बट आज सच कभी डायरेक्ट रेफरेंस इनकी कभी मिली नहीं ठीक है सेंटर हुआ करता था ये ब्लूम्सबेरी ग्रुप का और रोजर फ्राई जिन पे इन्होंने लिखी है ना वो इसी ग्रुप में एक पार्ट हुआ करते थे ब्लूस बेरी ग्रुप की एक खास बात ये भी है कि ज़्यादातर लोग टी एस एलियट को पढ़ना पसंद करते थे ऐसे भी रेफरेंस मिलती है तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप था ना ये जो इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप था ठीक है ये किसकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस था ये इंपॉर्टेंट है ये जो आइडियोलॉजी इसको सपोर्ट करते थे ना वो था टी एस एलियट ये रेफरेंस आपको ऑनलाइन मिल जाएगी हेलो हरलीन जी मैं देखती हूँ अक्सर आप उस पर बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन चलते हैं आप उनका कमेंट करते हो वेलकम है आप सभी का मोस्टली मेंबर्स इसमें या तो फैमिली मेंबर्स थे या फिर रिलेटिव्स थे इनके साथ आपको फ्रेंड्स की भी रेफरेंस मिल जाएगी जैसे रॉजर फ्राई ठीक है टी एस एलियट के साथ कभी ये मिले या नहीं ये तो रेफरेंस नहीं मिलती लेकिन ये रेफरेंस जरूर है कि ज्यादातर लोग इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे तो टीएस एलियट पे क्वेश्चन पूछ लेता है काफी बार और अपोस्टल्स ये वर्ड पहले भी कहीं पढ़ा है टेनिसन की क्लास में मुझे याद है लॉर्ड टेनिसन के ग्रुप का नाम यही था अपोस्टल्स ये क्या है जितने भी लोग ब्लूम्सबेरी ग्रुप में थे ना उनके लिए अपोस्टल वर्ड भी यूज किया जाता था उसका रीजन ये था कि मोस्टली लोग सेम यूनिवर्सिटी से थे जैसे यूनिवर्सिटी बिट्स थे ना या तो ऑक्सफोर्ड से होंगे या कैम्ब्रिज से होंगे सिवाय थॉमस किड को छोड़कर इनके साथ भी यही था कि जब ये ग्रुप बना था ना इनके साथ जो पर्सन थे आर्थर हेनरी हेलम जिनकी याद में इन्होंने 1850 में वो लिखी है इन मेमोरियम एपोस्टल्स उसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है जो लॉर्ड टेनिसन पे है कि ये ग्रुप किसी और का भी है वहां बताया या नहीं लेकिन मुझे यहाँ याद है कि लॉर्ड टेनिसन मतलब और उनके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थे जिनके ये 22 इयर्स में डेथ हो गई थी इन दो लोगों के ग्रुप को भी अपोस्टल्स कहा जाता था तो हो सकता है ये क्वेश्चन uh, वो पूछ ले ठीक है यहां पे अपोस्टल उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो कैम्ब्रिज सोसाइटी से थे आप ये कह सकते हो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मोस्टली जो लोग पढ़े हुए थे वो एक ग्रुप था ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उस ग्रुप का नाम हो अपोस्टल्स आगे जाके उन्होंने ही ब्लूम्सबेरी ग्रुप को फ्रेम कर लिया ठीक है तो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें इंटेलेक्चुअल फिलोसफर एजुकेशनिस्ट मतलब वो सारे आ जाते हैं अच्छे अच्छे क्वालिटीज वाले लोग जिनका मेन पर्पस है कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना ईयर 1912 बीच के ईयर ऐसे डिस्टर्बेंस वाली लाइफ में चले गए नाइनटीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइनटीन ट्वेल्व uh, में जब कोई रिस्पोंड नहीं करता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कहानी चल रही है छोटे छुड़ छोटे बच्चों को सुनाते हैं ना लियोनार्ड वुल्फ लियोनार्ड वुल्फ से इन्होंने शादी की ठीक है कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि दोनों ने यानी कि वुल्फ ने और वर्जीनिया वुल्फ ने और लियोनार्ड वुल्फ ने होगार्थ प्रेस स्टार्ट की थी बहुत बार ये पूछ लेता है कि होगार्थ प्रेस किसने स्टार्ट की थी मुझे याद है मेरा मास्टर्स का एंट्रेंस था डी का तो उसमें ये चीज़ पूछी गई थी अब हाँ, अब थोड़ी सी प्रेजेंस दिए बीच बीच में मैसेज कर दिया करो कि लगे कि हाँ है सोए नहीं क्लास में लास्ट टाइम मुझे किसी ने बोला था कि टी एस एलियट बड़ा बोरिंग है तो अरे पढ़ लो मतलब क्या मैं बोलूँ उसको बोरिंग तो और हिस्टोरिकल इसमें बता दिया ठीक है एक प्रॉब्लम ये मिलेगी इनके साथ कि इनकी बीमारी को ना मेंशन किया हुआ है हालांकि वी ऑल आर नॉट डॉक्टर्स मुझे आपका तो पता नहीं ठीक है तो कहते हैं कि इनको जो मेंटल इलनेस थी ना उसका नाम था ट्रिमेडास अब पता नहीं ठीक है लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए कभी कभार राइटिंग में गिदी जी कह रही हैं हम सुन रहे हैं फिर ठीक है जाग रहे हैं मीनू जी कह रही हैं ठीक है थीके? क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ भूल जाऊं तो रिवाइज भी तो कराओगे क्योंकि एक महीने पहले मतलब एक हफ्ते पहले नेट एलियट के और इसके नोट्स बनाए थे आज मैंने सोचा कि शी कॉल्ड यूलिस ए मिस फायर हाँ जी गुरजीत जी फीमेल यूलिस बोलते हैं इनको ठीक है इनके वर्क की वजह से इनके वर्क की वजह से बायपोलर डिसऑर्डर हाँ जी इंदू जी वही कर रही हूं भी बायपोलर डिसऑर्डर इसी को बोला जाता है हालांकि मैंने पहले डिस्कस कर लिया लिख दिया था यहाँ पे सिंपल वर्ड में अगर इसको बोलें तो बायपोलर डिसऑर्डर ठीक है कि इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है किसी की भी लाइफ में अगर वो बात करें ना तो अपनी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क करता है कि मेरी वैल्यू खत्म हो गई है उसको मतलब हमेशा ही अटेंशन चाहिए होता है और आज के टाइम में बहुत ही कॉमन है ये प्रॉब्लम क्लास में भी आपने देखा होगा अगर आप किसी बच्चे को इग्नोर करते हो थोड़े टाइम ठीक है किसी ने कुछ हरकत कर दी ठीक है होता है ना बच्चे शिप बना के फेंकते हैं एयरप्लेन बना के फेंकते हैं तो कई बार आप इग्नोर कर रहे होते हैं इग्नोर कर रहे हैं लेकिन कई बच्चे इतने ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना अटेंशन सीकर होते हैं कि वो फिर एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्ड करें तो अटेंशन सीकर वाले काम इस एक्टिविटी में हो जाते हैं और इसका जब आ, मतलब एक टाइम के बाद क्या होता है जब अटेंशन मिलना बंद हो जाता है तो इसमें वो पर्सन अलोन रहना ज्यादा पसंद करता है प्रीत जी कह रही हैं बफर कर रहा है हाँ जी प्रीत जी थोड़ी इस टाइम होगी नेटवर्क की प्रॉब्लम ना आपकी तरफ तो अब ये हो गया नाइनटीन में शी डाइड ठीक है शी ऑल्सो कमिटेड लाइक सिल्विया प्लाथ तो सिल्विया प्लाथ का तो अपना रीजन था बट इनका जो रीजन है वो इनका बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें कि लोनली रहने की इनको आदत हो गई थी उसकी बात करते हैं अब बात करते वर्क की वर्क की अगर कुछ रह जाए ठीक है ई आर स्पेशली तो प्लीज बता देना सुखवीर तो जी कह रहे हैं नेट की प्रॉब्लम होगी फर्स्ट नॉवल पहले नॉवेल से डिस्कस करेंगे ठीक है क्या है द वॉयज आउट वर्क भी डिस्कस करने इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कई बार ईयर की कंफ्यूजन हो जाती है ना इसलिए पहले मैं भी देख लूँ हाँ ओरिजिनल टाइटल किसी ने पढ़ा हो तो बता दो ओरिजिनल टाइटल पे क्वेश्चन पूछ लेता और तो क्या क्या ही पूछेगा 1915 हाँ जी यही है खुशी अब इसका ओरिजिनल टाइटल बताओ क्योंकि खुशी सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है ना तो बेस्ट तरीका है इसी को काम दे देते हैं सेकंड नाइट एंड डे ये एक मूवी भी है टॉम क्रूज की और कैमरून डियाज की मुझे नहीं पता आपने देखी है नहीं बट कभी अगर मन करे ना एंटरटेनमेंट का तो देख लेना नाइट एंड डे कुलवीर जी कहने मिसेस डेलोवे अब आ रहा है ना जैकब्स रूम के बाद आ रहा है जैकब्स रूम इनके नाम याद रखना मास्टर जो इनके हैं वो मैं अभी बता दूंगी खुशी कहने डोंट नो अरे मेलिम ब्रोसिया ये इसका ओरिजिनल टाइटल है द वॉयज आउट का ठीक है शुड आई मार्क दिस विद रेड हाँ मेलम ब्रोसिया आपको मे, यहाँ पे ना वाई भी मिलेगा कई कई जगह मेलिम ब्रोसिया प्लीज़ ये याद रखना हाँ जी प्रीत धलीवाल जी परमजीत कौर जी ठीक है तो मेलिम ब्रोसिया प्लीज़ ये याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं अभी पूछूंगी ये अभी तो नहीं ठीक है अभी आज की वीडियो तो मैं सोच रही थी नौ बजे वाली क्लास ले लूंगी सात बजे मैं बिजी थी तो नहीं हो पाया फिर मैंने पीडीएफ बना के रख दी बट मैं सोच रही थी उसमें ये डालूं क्वेश्चन मैलिम ब्रोसिया हो गया अब बात करते हैं मिसेस डेलोवे मिसेस डेलोवे के वर्क आने के बाद इसको क्या कहा गया फीमेल यूलिसिस वैसे एक बात बताओ कि इसमें किस मंथ की बात होती है क्योंकि ये मास्टरपीस है तो ये इसकी स्टोरी आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसमें जून की बात है और एक ही दिन की बात है ठीक है तो एक दिन में पूरा नहीं कह सकते हम इसको कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का डिस्क्रिप्शन है मतलब मिसेस डेलो मोटी इतनी बुक है ये मेरे पास भी पड़ी थी कह रही है टू स्टोरीज मिक्स्ड हां जी नाइट एंड डे कुलवीर जी नाइनटीन नाइनटीन की ही है खुशी कह रही है वेंसडे हाँ वेंसडे को एक वेंसडे को वो अपने घर से निकलती हैं क्लरिसा जो कि एक्चुअल में मिसेस uh, डैलोवे का नाम है पूरी बुक में सिर्फ दो ही जगह नाम लिया गया है इससे ज्यादा तो कहीं नहीं है द प्राइम मिनिस्टर खुशी uh, वो होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉट प्राइम मिनिस्टर ठीक है उनके हस्बैंड की जो आप बात कर रहे हो ना वो एम होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ये थोड़ा सा चेक कर लेना ये वर्क 19 25 कुछ याद रखो या ना रखो मिसेस डेलोवे का थोड़ा सा पढ़ लेना और इसको याद रख लेना अब मैं डिवाइड कर देती हूं थोड़ा सा बोर्ड नहीं तो दिक्कत ही हो जाएगी बार बार रब करना पड़ेगा टू द लाइट हाउस बोर्ड पे लिखते लिखते हैंडराइटिंग मुझे कभी कभार खुद वो ऐसे लगते हैं कि पता नहीं क्या हो गया कितनी गंदी हैंडराइटिंग हो गई टाइम पासिस ठीक है ये बुक बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड है पार्ट का नाम प्लीज याद रखना द विंडो और क्या है टाइम पासिस और लाइट हाउस पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री इसके नाम पूछ लेता है विंडो टाइम पासिस और लाइट हाउस बार बार के सिंबलिज्म है शॉर्ट स्टोरी प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड है इसमें अच्छा हाँ जी प्रदीप सिंह जी एम पी एमएलए दीप रमन एम पी ठीक है एमएलए उनके दोस्त होते हैं एम पी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हाँ एमएलए तो मेम्बर ऑफ लेजिसलेटिव असेंबली हो जाते हैं नहीं दो थोड़े हायर पोस्ट पे होते हैं ठीक है एम पी होते हैं जी ठीक है ओरलैंडो नाइनटीन ट्वेंटी एट गुरजीत जी कह रहे हैं स्टोरी ऑफ रैम से फैमिली हाँ जी ओरलैंडो ओरलैंडो कंपेरेटिवली ओरलैंडो ए बायोग्राफी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्क है ठीक है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वर्क में ना तीन सेंचुरीज कवर होती हैं अब तीन सेंचुरीज कैसे कवर होती हैं स्टार्टिंग में आपको पता चलेगा एक मैन से स्टोरी कवर होती है ठीक है और एट दी एंड क्या होता है थोड़े टाइम बाद जैसे टाइम लैप्स करता है ना गैप ले लेता है जैसे मूवीज में दिखाते हैं आफ्टर टेन ईयर्स सीरियल्स में दिखाते हैं आफ्टर फाइव ईयर्स सेवन ईयर्स सेम यही चीज़ है स्टोरी जब मूव करती है तो आपको पता चलता है स्टार्टिंग में जो मैन है वो वुमन ठीक है तो टाइम कैसे लैप्स करता है डेडिकेटेड टू लेबर एंड फ्रेंड हाँ जी इंदू जी इसलिए ऑफिस का है, हाँ इतने इतने सारे दे देते हैं मेरे को एकदम से यहाँ पे एक और रेफरेंस है ठीक है यहाँ पे एक रेफरेंस है जब कहा जाता है कि वजीनिया वुल्फ वॉज अ लेस्बियन ऐसा कहा जाता है श्योरिटी किसी चीज की नहीं है पहले बता रही हूँ ठीक है वही चीज़ है जो कि पढ़ी है वीटा सैकविले वेस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड वर्जीनिया वुल्फ की हेलो मधु सोखल जी खुशी कह रही हैं टाइम सेटिंग है दस से बीस हाँ जी गुरजीत जी ने दिया है वर्जीनिया वुल्फ लवर हाँ एग्जैक्ट जो हम पढ़ते हैं ना टर्म वो यही है ठीक है बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड इनकी कही जाती है नाम थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि कई बार क्या होता है पूछ लेता है ऐसा कहा जाता है कि ये जो पैशन दिखाया है ना इन्होंने क्योंकि जिप्सी वगैरह के भी रेफरेंस है इसमें तो इस मैन को जो भी ये एक्टिविटीज करता है ठीक है किस तरीके के एनवायरमेंट में रहता है कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऐसा कहा गया है कि ये कैरेक्टर वीटा वेस्ट, खुशी कुछ लिख रही थी आई गेस और लैंडो बिकम राइटर एट लास्ट जी, बन जाता है ठीक है क्योंकि छोड़ के कुछ बैठा होता है ना होता तो स्कॉलर ही है और होता ये है कि चला जाता है अब टाइम स्पैन इतना होता है कि वो अपना एक्सपीरियंस लिखता है कि जिप्सीज के कैसी लाइफ उसने जी द वेव्स इस पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था the ears, ये वो हैं जो प्लीज नाम ध्यान रखने हैं। बिटवीन द एक्ट्स जिसके बारे में जगदीप जी ने सबसे पहले बोला था पोस्थ पब्लिश्ड पब्लिश तो क्या है कि है तो सेम ही ईयर में 1941 में लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे अगर ये जल्दी इनकी डेथ हो गई मान लो फर्स्ट हाफ ईयर में डेथ हो गई तो पूरा साल तो बचता है ना ठीक है तो कहीं कहीं जगह पोस्टू नहीं लिखा हुआ मिलेगा कुर्सी कह रही हैं, 1931. है The का बता दो कौन सा नंबर था ये मैं नंबर भूल गई वैसे ढाई सौ बच्चों का डेटा याद हो जाता है लेकिन यहाँ पे नंबर याद नहीं होता दाइनटीन अच्छा 1936 ठीक है देक का चेक करना 1936 है 1941 है इसका चेक करो एक बार ये जरूरी है मेरे ख्याल से 1941 में है परमजीत कौर जी कह रहे हैं 1937 क्या ये तो मैंने बोल दिया इसका तो चेक कर लेना क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है द ईयर्स में इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया फ्लश ए बायोग्राफी ऐसे करके कुछ नाम है ना ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि इसमें से तो क्वेश्चन क्या पूछेगा ये नहीं पूछेगा किसने लिखी है वो पहले ही देगा कि वुल्फ का जो वर्क है फ्लश ठीक है वो किसकी बायोग्राफी है क्योंकि वर्ड थोड़ा सा ऐसे ही ना फ्लश ठीक है इसलिए राइटर का नाम वो देगा क्वेश्चन में खुशी कह रहे हैं 1957 ये क्या भाई अलग अलग बता रहे हैं इसका कंफर्म करो इतना नहीं मुझको दो नहीं तो फिर मेरे को ढूंढ के ना बाद में ग्रुप पे देना पड़ेगा 1937 और 57 में तो ऑलमोस्ट 20 साल का फर्क हो गया अमन कह रहे हैं 1933 अमन तो इसका बता रहे हैं फ्लश का ये जो बायोग्राफी है एलिजाबेथ बैरट ब्राउनिंग पता है इन वाले वर्क में क्या दिक्कत होती है बाद में अगर टू एक्सेस के भी कोई यूट्यूब दे देगा ना स्पीड तो लोग उसमें भी देखेंगे मुझे पता है कुलवीर जी कह रहे हैं 1936 किया है खुशी गिरी फ्लैश इट्स फ्लैश 1933 है हाँ जी अमन 1933 तो लिखा है इसका फ्लश का फ्लश ए बायोग्राफी कुलवीर जी कह रहे हैं नाइनटीन हाँ मैंने भी कुलवीर जी 1936 से ही पढ़ा है द ईयर्स का मेरे अच्छा 1936 नहीं मैंने तो 1941 पढ़ा है इसका आई हैव टू चेक कहाँ गई आज नीलम जी नहीं आई क्या नहीं आई ना अभी तक वो कंफर्म कर देती वो कंफर्म इसलिए कर देती हूँ उनका पहले ही आ जाता है लास्ट नॉवल जो ध्यान रखनी है 1933 है मैम फ्लश अरे तो मैंने पढ़ लिया कमेंट बार बार ना मुझे सेम ही कमेंट शो करता है द लेडी इन द लुकिंग ग्लास कंफर्म कर दूंगी पहले इसका कर लो द लेडी इन द लुकिंग ग्लास इसका बता दो पता चले एक प्ले द फ्रेश वाटर हाँ प्ले पे आ रही हूं एक ही प्ले है इनका ना जो कि 1935 में पहली बार परफॉर्म किया था 1976 में आया था अभी वही करा देती हूँ वो छोटा भी है कह रहे हैं मधु सोखल जी 1936 कंफर्म हो गया द द नाइनटीन थर्टी कोई कह रहा है 1936 कोई कहता है 1937 मैंने पढ़ा है 1941 तो द ईयर्स पे ना मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ ये मुझे ही चेक करना पड़ेगा द ईयर्स ठीक है इसका आई हैव टू चेक और चेक करने के बाद मैं यहाँ तो ड्रॉप कर दूँगी एक मैसेज ठीक है क्योंकि ये तो अभी स्ट्रीम होगा ना दस घंटे बाद और मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगी वो स्क्रीनशॉट कि मैंने कहाँ पढ़ा है गूगल पे कह रहे हैं नाइनटीन थर्टी सेवन है किशनदीप कौर जी ठीक है फिर नाइनटीन थर्टी सेवन चलो मान लिया फिर भी मैं कह रही हूँ मैं फिर भी चेक करूंगी ठीक है नाइनटीन थर्टी सेवन के बाद भी क्योंकि कई बार क्या होता है परफॉर्म कुछ और होता है और पब्लिश जो कुछ और होता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परफॉर्म पहले हो जाती हैं ये जो वर्क है ये नाइनटीन ट्वेंटी नाइन है लास्ट चीज़ वैसे तो ये लास्ट था रोजर फ्राई ठीक है हालांकि आना तो बायोग्राफी में चाहिए था बट मैंने अगर एलिजाबेथ बैरट ब्राउनिंग का वर्क फ्लश को मतलब कर लिया है या कंसिडर तो मुझे लगा इसको भी करना चाहिए रोजा फ्राई ए बायोग्राफी ईयर बताओ इसका अरिहंत भी चेक ओ हो अरिहंत अरे सर अरिहंत करो डेविड डेचीज करो ट्रू मैन करो विलियम जे लॉन्ग करो या रूटलेज करो मेन बात ये है कि सब जगह आंसर एक जैसा ही होना चाहिए अगर वेरिएशन है यानी कि कहीं ना कहीं लूप होल है ठीक है ईयर 1940 फोर्टी नॉवेल्स कंप्लीट हो गई जहां तक मुझे लगता है कुलवीर जी का आंसर है 1940 फोर्टी हाँ उफ़ प्ले की बात करते हैं ओनली प्ले रिटर्न बाय वर्जीनिया बुल्फ फ्रेश वॉटर थोड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है ना फ्रेश वाटर लेकिन क्या है ये बेसिकली इट वॉज अ कॉमेडी 1935 में परफॉर्मड हुआ था लेकिन पब्लिश्ड जिसको कहते हैं ना पब्लिश्ड ईयर को काउंट किया जाता है दीप रमन अमन का आंसर आया है ये थोड़ा सा ध्यान रखना नाइनटीन द ओनली प्ले ओनली प्ले चलो ये खत्म हो गया अब क्या रह गया एसेज एंड शॉर्ट स्टोरीज ऑर्लैंडो बी बायोग्राफी हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रीति गिल जी ऑर्लैंडो ए बायोग्राफी ठीक है वो जो पर्सन थी ना वीटा सैकविले वेस्ट ठीक है उनको ध्यान में रखकर ऑरलैंडो के कैरेक्टर को बताया है तो ऑर्लैंडो एज अ मैन दिखाया गया है बट वो धीरे धीरे जब जब, जब ट्रांसफॉर्मेशन चलती है तो जो उसमें चेंजेस आते हैं ना जब वो जिप्सीज के साथ रहने लग जाता है जब वो उनके कल्चर को उनके ट्रेंड को समझने लग जाता है उसको वो जिप्सीज जो बंजारे होते हैं उनका कल्चर एट्रैक्ट करता है तो वहां से जो क्वालिटीज मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना उसकी उसमें बताया गया है उनकी फ्रेंड का कैरेक्टर ठीक है प्रीत जी आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की बायोग्राफी और लैंडो को हम डायरेक्ट बायोग्राफी नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे रिटर्न में रेफरेंस नहीं है ठीक है वर्बल उन्होंने ऐसा कहा है या फिर जिन लोगों ने आ, मतलब उनको देखा है वर्जीनिया वुल्फ को और सैकविली वेस्ट को एज अ क्लोजेस्ट फ्रेंड वो कहते हैं कि ये जब लिखी गई थी तो उसके लिए लिखी गई थी या उसके कैरेक्टर को ध्यान में रख के लिखी गई थी तो श्योरिटी तो इस चीज की नहीं है शॉर्ट स्टोरीज ये थोड़ा मुझे यहीं से देख लेना चाहिए क्यू गार्डन्स ऐसा लग रहा है क्यू गार्डन्स सेंटर पॉल हाँ इस्तानबुल की भी थोड़ी सी रेफरेंस है ये कह रहे हो ना इक्के दुक्के है ज़्यादा नहीं है ठीक है ज़्यादा नहीं देते ये नाइनटीन ये वर्क में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे मैसेज करके एक दो लोगों ने कहा था प्लीज बता दिया करो मंडे और ट्यूसडे इसकी बता दो इसका ईयर बताओ मिसेस डैलोवे पार्टी हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसने मुझे बहुत परेशान किया है मिसेस डैलोवे पार्टी अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये जो है ना नॉवल का सीक्वल कहा जाता है अगर आप देखोगे यहाँ पे तो शॉर्ट स्टोरीज है दरअसल है तो ये शॉर्ट स्टोरी लेकिन मिसेस डेलोवे में क्या है कि एक दिन की कहानी है क्लैरिसा डेलोवे घर से निकलती हैं बहुत सारी एक्टिविटी को नोटिस करती है और दरअसल वो पार्टी के लिए सामान लेने निकलती हैं ठीक है शाम को उन्होंने एक पार्टी थ्रो की है जिसमें कि बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं तो उसके बाद की जो इमेजिनेशन है वो यहाँ पे लिखी गई है हाँ जी खुशी वो एक तरीके से क्या होता है सो जाता है देन जागता है तो अपने आप को एज अ फीमेल पाता है तो मैन टू अ वुमन लिखा था ना वो वही तो था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग डॉग्स बायोग्राफी हाँ ये भी है खुशी कह रही है ओरलैंडो हाँ इसका ईयर इसका तो आई गेस्ट मुझे ही बता देना चाहिए नहीं तो मुझे और कंफ्यूज करेंगे ये मंडे और ट्यूसडे एक ये वर्क इंपॉर्टेंट है एक ये फोर्थ नंबर है ना अदर स्केचेज अरे मुझे आंसर दो ना मंडे और ट्यूसडे वर्क का 1921 अच्छा आ गया 1921 ठीक है कभी कभार ये एक सेकंड रुको चेक कर लो पहले नहीं लास्ट में सिर्फ खुशी का ही शो कर रहा है यानी कि मेरे पास नेटवर्क वीक नहीं आ रहा करेक्ट ही आ रहा है इस वाले वर्क में ये सबसे लास्ट में आया है ठीक है बहुत सारे लोगों के स्केचेस लिखे गए हैं और इसे कहा गया है कि ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस को कवर करता है यानी कि वर्जीनिया वुल्फ के जितने भी फ्रेंड्स थे ना जैसे भी वो दिखते थे या जो भी था जो भी वो थिंकिंग थी उनकी वो डायरी में लिखा करती थी उसका कुछ पार्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है हाउस बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड पता है किस चीज में होते हैं ओनली एमसीक्यूज़ बस तो ये चीजें उनको अपीलिंग नहीं लगती जबकि उन्हें ये नहीं पता कि ऐसे करने से क्या होता है काफी बार चीजें क्लियर हो जाती हैं एसेज अब तो एंड में ही जा रहा है अब क्या करना है मॉडर्न फिक्शन 1921 जिसमें कि इन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस का uh, मतलब टर्म दिया था चले गए द कॉमन रीडर द Common रीडर 1925. दूसरा जो वर्क मतलब एडिशन इसका आया है वो 1932 में आया है हाँ दिख रहा है ना इतना मेरे को चेक करना पड़ेगा द रेमिनिसेंस अब मैं क्या बोलूँ खुशी क्या करती है सारी चीज़ें ना बिट्स एंड पीसीज में दे देती है अरे भाग जाएंगे बच्चे ठीक है क्या होता है जब वो पढ़ते हैं ना वो नोट्स बना लेते हैं फिर चार्ट बॉक्स में चलता रहता है अब तुम इतने सारे कीवर्ड्स भेज देती हो और मैं उनको एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ ना तो उनको ऐसा लगता है क्या यार पता नहीं कहां से इनका लिंक बन गया रूम ऑफ वंस ओन ये इंपॉर्टेंट है नाइनटीन ये इसमें विमेन की एडुकेशन की बात की गई है ठीक है पर्सनल स्पेस की बात की गई है और जूडी अथ शेक्सपियर का जो कॉन्सेप्ट है दरअसल क्या है वेमेन की एबिलिटी की बात की है ठीक है तो इसमें कहा गया है कि इनको ऐसा लगता था कि शेक्सपियर जो है अपने आप में एक होल लाइब्रेरी है और है तो यही चाहे उसने चीट करके ही लिखा हेलो नेहा सेठी जी हॉन्टेड हाउस हाँ हॉन्टेड हाउस जो है इनका एक तरीके से ना उसकी रेफरेंस वो भी है कि जहाँ ये रहा करते थे ट्वेंटी टू हाइड पार्क उसकी रेफरेंस भी इन्होंने इसमें दी है टू लेक्चर गिवन हाँ तो ये जो वर्क है ठीक है लेक्चर फॉर्म में भी है और इसमें क्या है कि स्पेस की बात करता है विमेन एबिलिटी को कंपेयर किया है शेक्सपियर की एबिलिटी से और ये कहती हैं कि इन्होंने जब ये लिखा था सोचकर तो इन्होंने ये लिखा था कि काफी लोग इनकी जो पहले राइटिंग थी इनको कहते थे कि तुम अगर और लिखती हो ना मतलब जिस वे में तुम लिखती हो तो तुम्हारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे शेक्सपियर के कैरेक्टर होते हैं तो क्या तुम शेक्सपियर्स सिस्टर हो मतलब जैसे होता है ना नॉर्मली एक राइटर दूसरे राइटर को प्रेज करने के लिए प्रेज वर्दी टर्म्स पे ऐसा बोलता है तो वो जो ज्यूडियत शेक्सपियर का कैरेक्टर जो कि फिक्शनल कैरेक्टर है इन्होंने इस वर्क में यूज किया है काफी बार पूछ लेता है तो ये जो रेफरेंस है ना शेक्सपियर्स सिस्टर किसको कहा जाता है ये वर्जीनिया वुल्फ को कहा जाता है मैंने कल के एम सी क्यू की क्लास में क्लास नंबर फिफ्टीन थी ये क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किया है तो लिटरेचर में इनको शेक्सपियर्स सिस्टर कहा जाता है और ये मैं नहीं कह रही बहुत सारे राइटर्स ने कहा है ये वर्क तो इन्होंने बाद में लिखा था पहले इनको ये टाइटल मिल चुका था नरेटर मैरी बर्टन हाँ विकिपीडिया में दिया हुआ है मैरी बर्टन का नाम क्या रह गया अच्छा ऑन बींग इल ये वो वर्क हैं जिनके नाम आपको एज इट इज याद रखने हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन फंस सकता है थ्री गिनीज मैं जब पढ़ती थी तो मैं इसको थ्री जीनियस करके याद करती थी हालांकि उन दिनों तो गिनी पिग्स होते हैं है ना तो ऐसे यूज नहीं किए जाते थे छोटे छोटे से होते हैं थ्री गिनेस नंबर मैं भूल गई ग्रेनाइट एंड थोड़ा सा और रह गया बस फिर ये खत्म ऑटोबायोग्राफी तो रह गई है इनकी ग्रेनाइट एंड रेनबो किसी अभी लास्ट एग्जाम में ना मेरे ख्याल यूपी का जो लास्ट एग्जाम था मुझे नहीं पता किस उसके लिए था क्योंकि क्या होता है यूपीएससी का भी ऑप्शनल एग्जाम होता है उसमें ये दिया गया था कि ये किसका वर्क है इलेबोरेट करना था इस वर्क को ठीक है ऑप्शनल होते हैं ना हालांकि उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है बट मॉडर्निज्म उसमें आता है तो उसमें दिया गया था पास्ट एंड प्रेजेंट की पिक्चर है हाँ है एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस फॉर विमेन वो तो जब ये एक एक दो दो लाइन इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अभी मेन क्या है इनके बारे में डिस्कस करना दरअसल ये जो एक ऐसे था ठीक है 1931 में इन्होंने कोई स्पीच दी थी मतलब अपनी डेथ से ऑलमोस्ट दस साल पहले तो क्या क्या प्रोफेशन एक वीमेन को सूट करते हैं वो इन्होंने कोई स्पीच दी थी उसको बाद में इन्होंने एक ऐसे की फॉर्म में लिखा ठीक है तो ये 1931 में ही आया है और क्या रह गया मिस्टर बेनेट एंड थोड़ा साउंड कर रहा है ना एलिजाबेथ जैसा कहा गया मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन यही है ना मिसेस ब्राउन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जेन ऑस्टन ने जो वर्क लिखा था ना मतलब जेन ऑस्टन हो गई और जॉर्ज एलियट हो गई जितने भी राइटर्स या फिर शार्लेट ब्रॉन्टे हो गई क्या है सोसाइटी को बड़ा सेंटर रख के उन्होंने लिखा है हालांकि इंडिविजुअल परसेप्शन भी लिखा है तो इसमें कहीं ना कहीं सोशल मैनर्स को इसीलिए इसका नाम अगर आप देखोगे ना तो जेन हॉस्टन का मिस्टर एंड मिसेस बैनेट के कैरेक्टर को ही बताएगा सोशल मैनर्स को क्रिटिसाइज किया है प्लीज़ थोड़ा सा ये ध्यान रखना ये जो वर्क है सोशल मैनर को क्रिटिसाइज़ किया है नाइनटीन इसका बता दिया इसका बता दिया अब थ्री गिनीज रह गया है ना रेनबो भी रह गया सो तो नहीं गए 38 एट एंड फिफ्टी एट नाइनटीन थर्टी एट नाइनटीन फिफ्टी एट लग रहा है लग गया आज तो द डेथ बेड ओ माई गॉड ये तो रह गया इंपॉर्टेंट वर्क ठीक है द डेथ बेड ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था डीएसएसबी में ठीक है तो मुझे याद आ गया ये क्योंकि अभी मैंने चलते चलते ही लिखा था प्रोफेशन फॉर वुमेन मे बी ओरिजिनल टाइटल है थ्री गिन्नीस का नहीं प्रदीप सिंह जी नहीं दोनों अलग अलग वर्क हैं अलग अलग वर्क हैं कॉन्श स्टेट में है ठीक है खुशी प्रदीप सिंह जी दोनों अलग अलग वर्क हैं ये मैंने चेक कर रखा है प्रीत गिल जी बस हो गया ठीक है इसीलिए मैं ना राइटर की क्लास लेने के इस टाइम पे फेवर में नहीं हूँ मॉर्निंग ही लूँगी इसकी क्लास एक बार ज़रा लैपटॉप का इशू क्लियर हो जाए ठीक है अभी मुझे खुद नहीं पता कि क्या चल रहा है लॉकडाउन में ना 1950 में ये वर्क आया था जिसमें कि 25 फाइव थे ये पूछ लिया गया था कि ये क्या है दरअसल ये बुक है ठीक है इसमें ऐसे की कलेक्शन है 1950 में यानी कि पोस्थुम मसली पब्लिश हुआ था ये वर्क थोड़ा सा प्लीज इस चीज का ध्यान रखना थ्री गिन्नीस प्रदीप सिंह जी ने कहा है प्रोफेशन फॉर विमेन नहीं चलो ये तो हो गया ड्रामा भी डिस्कस कर लिया यानी कि प्ले अब क्या रह गया ऑटोबायोग्राफिकल एसेज दो ऑटोबायोग्राफिकल एसेज हैं जिन्हें कि मैं ज्यादा प्रेफर तो नहीं करती लेकिन क्या है कि वो पूछ लेता है ऑटोबायोग्राफिकल दो एसेज हैं पहला ट्वेंटी टू हाइड पार्क गेट इसका ईयर चेक करना क्योंकि बहुत सारी जगह ना जब आप इसको टाइप करोगे ना तो आपको एक्चुअल जो जगह है उसके बारे में बता देगा लोकेशन नाइनटीन सेवेंटी टू दूसरा जो ऐसे है ये दरअसल क्या है कि ये एक जगह है जहाँ पे वुल्फ का घर था ठीक है तो वुल्फ का जो घर था इसने बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को एसोसिएट किया है प्लेस से नाइनटीन थर्टी एट थ्री हाँ जी खुशी दोनों का सेम है बताया तो था शायद टी एस एलियट वाली क्लास में बताया था ठीक है प्रीत जी ने भी इसमें एक क्वेश्चन पूछा था दोनों को याद करने की जो ट्रिक है ना वो यही है कि सेम ईयर है दोनों का और दोनों ही ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को क्या किया है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है पाए नीर कहे जाते हैं दोनों हाउस एड्रेस परमिंदर सिंह जी कह रहे हैं हाँ जी हाउस एड्रेस है ठीक है अ स्केच ऑफ द पास्ट ऑटोबायोग्राफिकल है मेमोरी बेस्ड है और क्या है 1939 में रिटर्न किया गया था बहुत सारे वर्क हो गए है ना पता नहीं तो दिमाग कर नहीं पाएगा स्टोर हाँ जी प्रीत गिल जी अब मैं खुशी को ये भी क्लियर कर दूं कि जो आ, प्रीत गिल जी ने कहा कि वो बड़ी हैं वाइज वो बता रही हैं ठीक है ठीके? क्योंकि ट्वेल्व मंथ्स होते हैं ना तो ये जेम जॉयस से वाइज बड़ी है बता रही हैं प्रीत जी प्रीत जी को मतलब ट्रिक्स का ज्ञान है ना तो वो बताती है लास्ट रह गया डायरी क्योंकि ये डायरिस्ट भी थी ठीक है तीन वर्क लास्ट इनको किसी तरीके से झेल लो बींग अ डायरिस्ट क्या वर्क इन्होंने लिखे पॉस्टूमसली तीनों वर्क पहली चीज ए राइटर्स अ डायरी आज मैंने देखा रमनदीप कौर रमनदीप कौर यानी कि एवलाज ने फिर से ग्रुप ज्वाइन कर लिया ठीक है 1953 पब्लिश हुआ है राइटर्स डायरी डायरी के कुछ अंश लिए गए हैं मूमेंट्स ऑफ बींग इम्पॉर्टेंट बुक है ये इसके अंदर बहुत सारी कलेक्शन है और मुझे याद आ रहा है ऐसा मैंने कुछ पढ़ा भी था कहीं मैंने पढ़ा था स्केच ऑफ द पास्ट जो है ना वो कुछ पार्ट इसमें मिलता है मोमेंट्स ऑफ द बींग बट मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि ऐसी पुष्टि कहीं नहीं होती बस पढ़ने को तो ये होता है कि बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं बट कन्फर्म सोर्स नहीं पता होता तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते लास्ट द डायरी ऑफ वर्जीनिया द डायरी ऑफ वर्जीनिया सॉरी 15 टू एक ईयर और है 1941 ठीक है ये है लेकिन इसको पब्लिश कब हुआ ये ये वर्क 1977 में यानी कि तीनों के तीनों वर्क पोस्ट मसली पब्लिश हुआ है ठीक है तो प्लीज ये ध्यान रखना क्या भेज रही है खुशी 1953 फिफ्टी हाँ इसका भेजा होगा ना इसका ए राइटर्स डायरी ठीक है फाइनली वुल्फ को टाटा बाय बाय जितने यहां टाइटल्स थे ठीक है मेन जो वर्ग है वो है ऑरलैंडो मिसेस डेलोवे शॉर्ट स्टोरी में मिसेस डेलोवे पार्टी ये इंपॉर्टेंट है ठीक है द वॉयज आउट और टू द लाइट हाउस चार से पांच ये जो चीजें हैं प्लीज इनकी स्टोरी पढ़ लेना बाकियों का क्या है बाकियों का आप अपने मौज के लिए पढ़ना और ए रूम ऑफ वंस ओन छह चीजें हो गई ना ठीक है तो अब प्लीज मुझे ग्रुप पे बता देना कि कल एम सी क्यू करने हैं देखो अभी का क्या है एक वीक मतलब <coughs> एक वीक कुछ ऐसा चलेगा कि होते ना सिस्टम में सेट होने में टाइम लग जाता है अभी क्लासेस का थोड़ा सा देखना पड़ेगा मैं ये तो नहीं कह रही परमिंदर सिंह जी कह रहे हैं 1977 ये वर्क है डायरी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ दरअसल क्या है जो डायरी लिखी है ना ये इन्होंने 1915 से लेकर 41 यानी कि बिफोर डेथ तक जो पेजेस है ना 1915 से लेकर 41 तक वहां से पार्ट्स लिए गए हैं और उनको पब्लिश कराया गया था 1977 में ये इसका पब्लिश्ड ईयर है ठीक है परमिंदर सिंह जी आई गेस अब क्लियर हो गया होगा हाँ जी खुशी बता दिया टू द लाइट हाउस ठीक है तो ये वर्क कर लेना और या तो राइटर की क्लास रख लो अभी एक वीक एम डब्ल्यू एफ में और टी टी एस में जैसे बच्चों को ट्यूशन भेज भेजते हैं ना उनका स्लॉट होता है टी टी एस में रख लो एम सी क्यूज आपकी मर्जी है क्योंकि इस बार का एम सी क्यूज हो गए ना तो इस बार हम राइटर कर लेते हैं ये अगले वीक का स्लॉट हो जाएगा ठीक है तो मेरी तरफ से हैप्पी गुड नाइट आधे लोग चले गए क्योंकि उनको पता था ना राइटर होगा आज चलो कोई नहीं अच्छा खुशी अब मुझे समझ आ गया कि सेम सरनेम भी शेयर कर रहे हो ना तो आज मुझे ये सीक्रेट समझ आया ठीक है चलो मेरी तरफ से गुड नाइट कल मिलते हैं